हे गाइस, माय नेम राजकमल और आज जाने वाले एक नए वाटरफॉल में, मतलब वो काफ़ी फेमस वाटरफॉल है यहाँ का, रांची का स्पेशली। बट चलो उसे भी एक्सप्लोर करके देखते हैं, क्योंकि वो स्पेशली मतलब रांची का सबसे ज़्यादा ही सुंदर वाटरफॉल है और जिसका नाम है हुंडरू वाटरफॉल, तो उसे ही आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी मुझे पहुँचने में यहाँ से 20 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा, यहाँ से आई थिंक लग रहा है अच्छा 18 किलोमीटर, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी होगा ये वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत है, तो चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे रांची के 50% लोग आ चुके हैं, मतलब इस जगह को एक्सप्लोर कर चुके हैं, पर कोई नहीं, फिर से मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा। और गाइस देख लो, वाटरफॉल जाते समय मुझे ये मिला, मतलब ये कोई डैम है, मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना, बट ये काफ़ी खूबसूरत है, ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा बट आप आओगे तब दिखेगा। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से वाटरफॉल और एक्सप्लोर करते हैं, मैं स्पेशली उसी के लिए आया। गाइज यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है हुंडरू जलप्रपात। वाटरफॉल के पास मैं पहुँच गया फ्रेंडली। अब यहाँ पे आपको एक टिकट कराना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ सारे फॉल फ्री हैं पर ये फॉल फ्री नहीं है। भाई लोग मेरे साथ एक कांड हो गया, मतलब कांड ये हुआ कि वाटरफॉल एक्चुअली कोरोना के कारण बंद है यहाँ पे, बट मैं आपको कुछ तो दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो आप पानी देख रहे हो यही वाटरफॉल का पानी है, ये जो है पानी ऐसे जाकर नीचे गिरता है, तो मैं अभी आपको ऊपर से एक्सप्लोर कर देता हूँ, क्योंकि इधर तो जा ही सकते हैं। एक्चुअली वाटरफॉल था, वहाँ से टिकट कट होने के बाद अंदर में जाना था, बट कोविड फैलने के कारण अभी उसे बंद कर दिया गया है, पर मैं आपको अब दिखाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो आपको मैं ज़रूर वाटरफॉल दिखाऊंगा, जैसे भी दिखाऊं, बट कुछ भी कहो खूबसूरत तो है जगह। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है और ये पानी जो जा रही है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ से। क्या कर सकते हैं, वाटरफॉल तो बंद है, पहले खुला था पर पता नहीं अभी क्यों बंद कर दिया गया है इसे फिर से। चलो कोई नहीं, एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ से कुछ एडवेंचर जाएगा, क्योंकि मैं इधर एक्चुअली गया नहीं हूँ, इस रास्ते में मैं कभी गया नहीं, इस रास्ते से उधर जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे वाला जो रास्ता है इससे ऐसे होके यहाँ पे जा सकते हैं आगे में। चलो फिर एक्सप्लोर करते हैं उसे, और मैं गाड़ी वहीं पे ले जाऊँगा, गाड़ी लेकर चलते हैं वहाँ पे। तो अभी जो मेन रास्ता है वो कोरोना के कारण बंद है, पर मैं एक नए रास्ते से जा रहा हूँ नीचे, और ये काफ़ी एडवेंचर वाला है, मतलब काफ़ी ही एडवेंचर रास्ता है ये तो, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। और ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे इसी रास्ते से अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो गाइस एक तो बड़ा वाटरफॉल है ही, पर यहाँ पे ऊपर में भी छोटे छोटे वाटरफॉल हैं, मतलब उसी को मिला के एक बड़ा वाटरफॉल बनता है। ये देखो एक छोटा सा इधर में भी है। तो गाइस इस जगह के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी,
देखते हैं जो वाटरफॉल का साउंड काफ़ी ज़्यादा है, पानी का साउंड अभी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। और ये वाटरफॉल मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, मतलब जो हंड्रू फॉल है ये मेरी फेवरेट वाटरफॉल है रांची की, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने आया था, पर कोरोना के कारण अब एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यार ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये वाला, ये सारा जो देख रहे हो आप, ये सारा जाकर नीचे में गिरता है, जो कि हुंड्रू फॉल कहलाता है, मतलब वही हुंड्रू फॉल है जो नीचे में गिरता है। बट आज तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक है और रिस्क लेना सही नहीं है यहाँ पर। जो ये देख रहे हो रोपवे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ऐसे क्रॉस करता है यहाँ से वहाँ पे जाता है, बट ये अभी कोरोना के कारण अभी ये बंद कर दिया गया है। कोरोना के कारण बहुत सारा चीज़ को बंद कर दिया गया है अभी। ये देखो काफ़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है यहाँ से, ये सारा नीचे जा कर गिर रहा है नीचे में, और बंदर आपको चारों तरफ मिलेंगे। तो गाइस जैसा कि मैं आपको तो हुंड्रू फॉल नहीं दिखा पाया क्योंकि कोरोना के कारण वो बंद है, पर मैं आपको हुंड्रू फॉल के ऊपर वाला पार्ट ज़रूर दिखा दिया जो कि ये है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे सारे लोग आकर नहाते हैं और नहाने का सबसे अच्छा जगह ये, मुझे ऐसे पता नहीं था, मैं जब फर्स्ट टाइम हुंड्रू फॉल आया था तो क्या बोलते उस रूट से गया था, ये रूट से ऐसे नीचे गया था, बट आज मैं ऊपर आया हूँ, मतलब आज मैं ऊपर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ये काफ़ी ही ज़्यादा एडवेंचर वाली जगह है। काफ़ी मज़ा आया मुझे देखकर, वैसे अगर दो लोग तीन लोग आते तो मैं भी नहाता यहाँ पे, पर अकेले में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कहीं पर भी, बट ये नहाने की सबसे अच्छी जगह है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्या बट नहीं दिखा पाया, इसलिए कौन सा भी सही पता ही नहीं।